भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आप दो चीज जरूर खा लेना। इन चीजों को यदि आप खा लेंगे तो भोले बाबा अत्यधिक प्रसन्न होंगे और आपके घर में किसी भी चीज की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी और पूरे साल आपके घर में जमकर बरसेगा पैसा ही पैसा। इसमें कोई संशय नहीं है। भोले बाबा को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है और भगवान कुबेर जो कि साक्षात भोले बाबा का जो है अर्चन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। भोले बाबा को कुबेर भी अपना इष्ट देव मानते हैं, इसलिए कुबेर भगवान की भी आपको कृपा यदि प्राप्त करनी है तो महाशिवरात्रि के महापर्व पर आपको हमारे द्वारा बताए गए विधान के अनुसार पूजन करना है तथा इन दो वस्तुओं को जरूर आपको खा लेना है। वैसे तो प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है उसे मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है उसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी का पाणी ग्रहण संस्कार यानी विवाह संपन्न हुआ था। और भी कई कथाएं महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई है, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। महाशिवरात्रि की जो रात्रि होती है वो अपने आप में ही स्वयं सिद्ध रात्रि मानी गई है। इस बार महाशिवरात्रि का महापर्व 18 फरवरी 2023 शनिवार के दिन रहेगा और रात्रि को ठीक 8:02 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी और चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी 19 फरवरी 2023 को दोपहर 4:18 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जिस दिन रात्रि व्यापिनी निशीत व्यापिनी चतुर्दशी तिथि होती है उसी रात्रि को उसी दिन महाशिवरात्रि का महापर्व मनाना चाहिए, क्योंकि इस बार एक विशेष संयोग बन रहा है कि महाशिवरात्रि के दिन प्रदोष भी है। त्रयोदशी तिथि जिस दिन शाम के समय रहती है उस दिन प्रदोष मानी जाती है। इस बार महाशिवरात्रि प्रदोष का संयोग है, साथ ही साथ इस दिन शनिवार के दिन महाशिवरात्रि और प्रदोष का संयोग बन रहा है, यानी त्रिपर्व का एक साथ संयोग कई वर्षों के बाद निर्मित हो रहा है। तो शनि प्रदोष और महाशिवरात्रि का महापर्व है। तो अगर आप भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने जीवन की प्रत्येक इच्छाओं को मनोकामनाओं को यदि आप पूर्ण करना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं उनमें सबसे जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वो भोले बाबा है। भोले बाबा को भंडारी कहा गया है। भोले बाबा थोड़ी सी पूजा में थोड़ी सी सेवा में ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहा गया है कि भोले बाबा को यदि आप श्रद्धा से एक लोटा जल भी समर्पित कर देंगे तो आपके जीवन की समस्त समस्याओं का अंत हो जाएगा और आपके परिवार में, आपके घर में, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो इस बार महाशिवरात्रि का महापर्व 18 फरवरी 2023 शनिवार को है। इसी दिन आपको सुबह से लेकर के व्रत आरंभ करना है और अगले दिन यानी 19 फरवरी को जैसे ही सूर्योदय होगा 7:14 से लेकर के 9:14 तक आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत खोल लेना चाहिए।
महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले सूर्योदय के पहले उठ करके स्नान कर लेवे, शुद्ध व पवित्र धुले हुए कपड़े धारण करे। ध्यान रखे, फटे कपड़े बिल्कुल ना पहने, पुराने कपड़े धो करके आप पहन सकते हैं, लेकिन इस दिन काले रंग के कपड़े आपको नहीं पहनना चाहिए। तथा महाशिवरात्रि के दिन लड़ाई झगड़ा न करे, वाद विवाद न करे, किसी भी व्यक्ति का दिल इस दिन न दुखाएं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास होता है। इसी के साथ इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, दाढ़ी कटिंग शेविंग न करवाएं, शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। अगर आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक यदि है तो भी आपको व्रत करना चाहिए, व्रत के सभी नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन करना सूतक काल के दौरान वर्जित माना जाता है। इसी तरह जो माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड या रजस्वला अवस्था में रहती है वो भी महाशिवरात्रि का व्रत कर सकती है, व्रत के नियमों का भी पालन कर सकती है, लेकिन उनको इस दिन पूजन अर्चन नहीं करना है, भगवान का स्पर्श नहीं करना है। महाशिवरात्रि के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। कई भक्तजन कठोर तपस्या को करते हुए इस दिन निर्जला और निराहार व्रत रखते हैं, यानी कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, जल भी नहीं पीते हैं, लेकिन आप अपने शरीर का ध्यान रखते हुए महाशिवरात्रि का व्रत करें, फलाहार करें, और सर्वोत्तम फलाहार जो होता है वो गाय का दूध और समस्त प्रकार के फल माने जाते हैं। इसी तरह कुट्टू का आटा, साबूदाना, ये भी फलाहार की श्रेणी में माने गए हैं। सिंग दाना, जिसे मूंगफली दाना भी कहा जाता है, और गाय के दूध से जो भी मिठाइयां बनती है वो भी फलाहार की श्रेणी में ही आती है। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का भी आप उपयोग कर सकते हैं, मखाने का आप उपयोग कर सकते हैं। तो यदि आप भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान कुबेर को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, अखंड लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको भोले बाबा का पूजन अर्चन करने के बाद मखाने अवश्य अर्पित करना चाहिए। मखाने चूंकि भोले बाबा को भी प्रसन्न है, और मखाने महालक्ष्मी जी को और कुबेर भगवान को भी अत्यधिक प्रिय है, इसलिए आप इस दिन मखाने का उपयोग फलाहार के रूप में अवश्य करें। मखाने को घी में भून करके उनमें फलाहारी नमक और काली मिर्च डाल करके उनको यदि आप खा लेंगे तो भोले बाबा के साथ साथ माता महालक्ष्मी एवं कुबेर भगवान भी अत्यधिक प्रसन्न होंगे। और इसी तरह यदि आप दूध या दूध से बनी कोई भी सफेद रंग की मिठाई भोलेनाथ को अर्पित करने के बाद यदि स्वयं प्रसाद के रूप में, फलाहार के रूप में खा लेंगे तो भोले बाबा, माता पार्वती, माता लक्ष्मी जी, कुबेर भगवान सभी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो आपको मखाने एवं सफेद रंग की मिठाई इस दिन जरूर खाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में, आपके परिवार में पूरे वर्ष रुपए पैसों की कमी नहीं आएगी और आपकी सभी समस्याओं का निदान भी आपको प्राप्त हो जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए अपने घर में या शिवालय में जाकर के पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करवा सकते हैं, रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। सकृत आवर्तन जो कि रुद्राष्टाध्यायी के 8 अध्यायों के द्वारा होता है, इसके बाद होता है लघु रुद्र, उसके बाद होता है महारुद्र, उसके बाद होता है अति रुद्र, और उसके बाद होता है कोटि रुद्र। इस प्रकार जो भी आपके पास व्यवस्था हो, सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आप विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से इस दिन रुद्राभिषेक संपन्न करवा सकते हैं। और यदि आप ब्राह्मण के द्वारा संपन्न नहीं करवा पाते हैं तो आप स्वयं भी शिवालय में जाकर के सबसे पहले भोले बाबा को 4 बार जल चढ़ाएं।
उसके बाद भोले बाबा को कच्चा दूध चढ़ाएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। जो भी वस्तुएं आप अर्पित करते हैं उनके बीच बीच में आपको शुद्ध जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। उसके बाद दही चढ़ाएं, उसके पश्चात आप उनको घी से स्नान कराएं, उसके बाद भोले बाबा को शक्कर से स्नान कराएं, उसके बाद भोले बाबा को शहद से स्नान कराएं, अष्टगंध के जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, गुलाब जल से स्नान कराएं, इत्र के जल से स्नान कराएं, भस्म के जल से स्नान कराएं, भांग के जल से स्नान कराएं, गन्ने के रस से भोले बाबा को स्नान कराएं, नारियल के पानी से भोले बाबा को स्नान कराएं और कुशा के जल से भी आप भोले बाबा को स्नान कराएं। जौ और तिल के जल से भी आप भोले बाबा को स्नान करा सकते हैं। अक्षत के जल से भी आप भोले बाबा को नहला सकते हैं। और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद भोले बाबा को वस्त्र चढ़ाएं, जनेऊ जोड़ा यानी यज्ञोपवीत चढ़ाएं, चंदन का त्रिपुंड का तिलक लगाएं और अक्षत यानी शुद्ध साबुत चावल जल में भिंगो करके गीले करके भोले बाबा को समर्पित करें। उसके बाद भोले बाबा को पुष्प चढ़ाएं और भोले बाबा को कनेर के पुष्प अवश्य चढ़ाना चाहिए। एक कनेर का पुष्प चढ़ाने से 100 बिल्व पत्र चढ़ाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और उसके बाद आप भोले बाबा को पुष्प माला चढ़ाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं, शमी पत्र चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, अकौवा चढ़ाएं और धतूरा का फल भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा उनको जो है आप शक्करकंद चढ़ाएं, बैर चढ़ाएं, गेहूं की बालियां भी भोले बाबा को समर्पित की जाती है। इसके अलावा ऋतु के जो फल होते हैं वो भोले बाबा को आप समर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, भोग लगाएं, आरती करें, कथा का श्रवण करें। और यदि आप भोले बाबा का अभिषेक करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा जो महामंत्र होता है वो ओम नमः शिवाय, इसको पंचाक्षर महामंत्र कहा गया है। पंचाक्षर महामंत्र के माध्यम से सभी भक्तजन, माताएं, बहनें दूध और जल मिलाकर के भोले बाबा का अभिषेक कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो रुद्राष्टक के माध्यम से भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय यह सबसे बड़ा महामंत्र है, इसलिए सभी स्त्री पुरुष निश्चिंत होकर के ओम नमः शिवाय बोलते हुए भोले बाबा का अभिषेक करें, उनके ऊपर दूध या जल की धारा लगाएं। कई लोग कहते हैं कि ओम नमः शिवाय का उच्चारण माताओं को नहीं करना चाहिए, ये गलत धारणा है। सभी भक्तजन, माताएं, बहनें ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए भोले बाबा का शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं और भोले बाबा की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तथा शिवरात्रि के दिन दिन में सोना वर्जित माना जाता है और रात्रि के समय जागरण करने का विधान है। पूरी रात जाग करके 4 प्रहर की पूजा की जाती है। पहला प्रहर शाम को 6 से 9 का रहेगा, दूसरा प्रहर रात्रि 9 से 12 बजे तक रहेगा, तीसरा प्रहर रात्रि 12 से अगले दिन की सुबह 3 बजे तक का रहेगा, उसके बाद चौथा प्रहर सुबह 3 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक का रहेगा। इन 4 प्रहरों में भोले बाबा की पूजा करें, बिल पत्र उनको अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, कोई रोजगार या नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, व्यापार में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपनी बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, या आप मन वांछित यानी अपनी मन पसंद शादी करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, अपने घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, धन की प्राप्ति चाहते हैं, या जो भी इच्छाएं मनोकामनाएं आपके मन में हैं वो भोले बाबा के सामने आप अवश्य ही महाशिवरात्रि की पूजन के बाद प्रकट कर दीजिएगा। यदि आप भोले बाबा के सामने सच्चे मन से, सच्ची भावना से, पवित्र हृदय से अपनी भावना को, अपनी मनोकामना को
भोलेनाथ के सामने प्रकट करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भोलेनाथ अपनी धर्म पत्नी अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ प्रसन्न अवस्था में रहते हैं और उस समय भक्त जो भी उनसे चाहेगा जो भी मांगेगा वह उनको तत्काल प्रदान कर देंगे। इसलिए भोले बाबा की कृपा यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे माध्यम से महाशिवरात्रि पर शिवार्चन करवाना चाहते हैं, रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहते हैं या फिर आप कोई भी अनुष्ठान पूजन हमारे माध्यम से महाशिवरात्रि पर संपन्न करवाना चाहते हैं तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके, नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से भेज करके महाशिवरात्रि का महापुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।